अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है, मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती हूँ। पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ, मेरा नाम नव्या है, मैं एक ट्रांस वूमन हूँ एंड मैं एक एक्ट्रेस हूँ और एक मॉडल हूँ। मैं मिस ट्रांस क्वीन इंडिया जो पेजेंट है उसकी ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ। और आज जितने भी मेरे आर्टिस्ट फ्रेंड्स हैं वो आए हैं, मैंने सोसाइटी में बर्थडे मनाया है और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने कहीं और नहीं मनाया, मैंने अपने घर पे मनाया, बिकॉज मुझे ऐसा फील ही नहीं हो रहा कि मैं ऐसे लोगों के बीच में मना रही हूँ जिनको मैं एक्चुअली अच्छे से जानती नहीं हूँ, और कुछ लोग ऐसे भी जिनको एक्चुअली ज़्यादा हमारे बीच में कन्वर्सेशन नहीं होता है। बट आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच। माय फ्रेंड्स ऑलवेज सेज मी दैट यू आर अ क्वीन, और जब एक क्वीन का बर्थडे हो तो जाहिर सी बात है केक तो बहुत सारे होंगे। यस एग्जैक्टली, लाइट ऑफ हो गया। हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। फर्स्ट ऑफ ऑल नव्या ने बहुत कोऑपरेट किया मुझे, और आज मैं एक यूट्यूबर हूँ और मेरा चैनल आज के डेट में स्टैंड हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ नव्या। ये क्रेडिट गोज टू हर। सो ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके बाद नव्या एज ए पर्सन शी इज़ वेरी गुड एंड बहुत अच्छे लोग मुंबई शहर में बहुत कम मिलते हैं, तो उनमें से बहुत बहुत मैं नव्या का नाम सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है, जहन में आता है कि बहुत अच्छी इंसान है। सबसे बड़ी बात तो जो हेल्पिंग नेचर की है और उनका जो वो फैमिली वाला जो फील वो देती है, जस्ट ऑसम। सो विश यू ऑल द बेस्ट। तो सबसे पहले नव्या जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, और फर्स्ट टाइम मैं बर्थडे में आया हूँ, इससे पहले नव्या जी के साथ में मैंने फर्स्ट टाइम काम किया है, और बहुत ही कोऑपरेटिव है, और एक सबसे अच्छी बात है कि शी गुड ह्यूमन बीइंग। और बाकी मैं यही उस रब से दुआ करता हूँ कि बहुत आगे बढ़े, बहुत तरक्की करें, बहुत दौलत शोहरत कमाएं और बहुत अच्छा काम करें। एक्चुअली हमने साथ में मिलकर एक वेब सीरीज की है हाल फिलहाल ही, उस नाम क्या है उसका, सब ठीक है। और ये यूट्यूब में काफ़ी ज़्यादा भी वायरल हो रहा है, और जो यूट्यूब का जो हमारा सबसे ज़्यादा वायरल हुआ था वो था एक किन्नर की प्रेम कथा, उसको कम से कम तो कितने मिलियंस व्यूअर्स मिले, 24 मिलियंस है एक्चुअली। कहीं ना कहीं उनमें मैसेज दिए कि देखो एक किन्नर है बट वो एक आराम से एक आसान से फीमेल की जिंदगी जी सकती है, और उसको भी प्यार करने का उतना ही हक है, उसको भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जो एक आम फीमेल को मिलता है। तो गांव से बिलोंग करते हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं, हमने अपनी जर्नी भी एक साथ ही शुरू की थी, और मैं 2017 में मिस ट्रांस क्वीन इंडिया ब्यूटी पेजेंट का एक हिस्सा थी, और ये मिस 2018 में मिस ट्रांस क्वीन इंडिया ब्यूटी पेजेंट का एक हिस्सा और टॉप 10 बन चुकी है। सो कुछ बोलो। नव्या इज नाइस पर्सन, और वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अचीव कर रही है, हम दुआ करते हैं कि वो इसी तरह अचीव करते रहे और आगे इंडस्ट्री में बढ़ती रहे। थैंक यू। लाइफ में इसने बहुत सारे स्ट्रगल किए हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस किया है, हम दोनों ने अपनी जर्नी साथ स्टार्ट की थी, और आज हम दोनों कहीं ना कहीं स्टेबल हैं, और आगे बहुत संघर्ष लाइफ रहा है हम दोनों। यू नो लाइफ में हमेशा संघर्ष रहता है, आप कैसे उसको हैंडल करते हो ये चीज़ मैटर करता है, और जब आपकी फैमिली आपके एक्सेप्टेंस में रहती है तो इंसान बड़ी से बड़ी मुसीबतों को आसानी से पार कर जाता है। लाइफ में कहते हैं कि चाह कभी मरती नहीं है इंसान की, जितना मिले लोग चाहते हैं कि उससे कुछ ज़्यादा मिले, तो स्ट्रगल तो हमेशा रहेगा। कहीं ना कहीं मैं बॉलीवुड की बहुत बड़ी स्टार बनना चाहती हूँ, तो यस ये अभी सपना बाकी है। फैन हूँ मैं सुष्मिता सेन की, भी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, कहीं ना कहीं मुझे उनसे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलता है। शी इज़ द फर्स्ट पर्सन जो कि मिस यूनिवर्स बनी थी, और 1994 में जब बहुत दो गॉर्जियस पर्सन मिस इंडिया में जब सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय ने पार्टिसिपेट किया था, तो कहीं ना कहीं सुष्मिता बोली थी कि मैं क्यों जाऊँ, मैं नहीं जाऊँगी, मेरे को टक्कर देने वाली बंदी है, बट जब उनकी माँ ने बोला बेटा तू जा और तू देख क्या होता है, जब वो मिस इंडिया फर्स्ट रनर अप थी, उसके बाद वो मिस यूनिवर्स के लिए गई, तो जब वो कर सकती है, जब वो डर था तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और मेरा एक सपना है कि आज ना तो कल सलमान खान जी की तरफ से थोड़ा बहुत भी कुछ आ जाए ताकि मैं उनके साथ काम करूं, और मैं हम भी और फीमेल्स की जैसे हमारे अंदर भी वही टैलेंट है, हमारे अंदर भी वही ब्यूटी है, अगर आप हमें एक मौका दोगे तो शायद हम
आपको प्रूव करके दिखा सकेंगे कि मेरे में और एक नेचुरल बॉर्न जो बायोलॉजिकल वुमन है उनमें कोई फर्क नहीं है। तो बस मेरी यही दरख्वास्त है बॉलीवुड से कि हमें भी काम करने का एक अवसर दे, एक मौका दे। हम भी बेहतरीन डांस करते हैं, तो आप आइटम डांसर के लिए आज सनी लियोनी को ले रहे हो। राखी सावंत का एक वक्त में बहुत नाम था, बट आज नहीं, आज तो वो कंट्रोवर्सी क्वीन ही बन के रह गई है। बहुत सारी नौरा फतेही खान है, वो आइटम सॉन्ग कर रही है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान में ट्रांस एम्पावरमेंट शुरू हो चुका है, क्योंकि वहाँ पे रीमा लली ने परफॉर्म किया है, रीमा लली को वहाँ के प्रोडक्शन हाउस ने मौका दिया है, तो बॉलीवुड में क्यों नहीं, के ऊपर ही फिल्म आ जाएगा पूरा सॉन्ग एक्चुअली। ठीक है, बहुत हॉट सॉन्ग है और बहुत सेक्सी सॉन्ग है, बहुत जल्दी मार्केट में आ रहा है। एक्चुअली ये कभी सरप्राइज है, हम आपको बुलाएंगे और उस टाइम पे आप एक एक चीज कैच कीजिएगा, यानी कि अभी इंडस्ट्री की जितनी भी लड़के हैं सबकी वाट लगेगी एक्चुअली। यस, एक्चुअली मार्केट का है, हमने बात चल रही है लीड में, बट हम सोच रहे कि अगर आइटम सॉन्ग है तो एक हॉट सी लड़की होनी चाहिए, और हॉट सी लड़की लेकिन मेन गाना शूट हम आउटडोर करेंगे, वो सारी चीज़ें अपडेट कर दी जाएगी आप लोगों को। और मैं उस सॉन्ग के कोरियोग्राफर से भी आपको मिलाना चाहती हूँ, वो यहाँ पे ही मेरे सामने बैठे हुए हैं, इनका नाम आदित्य है और वो इस सॉन्ग को कोरियोग्राफ करेंगे। एक बात मैं बता देती हूँ, और उन्होंने हमें बुलाया है, अब काम की बात करिए। हाँ, एक्चुअली अभी सारा चीज़ मैं बोल नहीं सकता हूँ जब तक अभी सॉन्ग। Oh,